हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे माय टॉपिक इज गोनियोमीटर विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर एक्सरसाइज थेरेपी ये एक प्रैक्टिकल का टॉपिक है सो व्हाट इज़ गोनियोमीटर सो गोनियोमीटर इज एन असेसमेंट टूल गोनियोमीटर टर्म इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स गोनिया विच मीन्स एंगल एंड मेट्रॉन विच मीन्स मेज़र सो so, अगर अब मैं डेफिनेशन की बात करूँ सो गोनियोमेट्री रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्रिएटेड एट ह्यूमन जॉइंट्स बाय बोन्स ऑफ द बॉडी सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गोनियोमीटर सो इट इज़ एन असेसमेंट टूल विच मेजर्स द टोटल रेंज ऑफ मोशन अब अगर मैं बात करूँ अगर फ्रैक्चर का कोई केस आपको मिला और अगर आपको देखना है कि उसके रेंज ऑफ मोशन में Uh, कोई भी सुधार हो रहा है कि नहीं सो उस बेसिक उसके लिए हम गोनियोमेट्री का यूज़ करते हैं इट इज़ अ बेसिक स्किल टू बी लर्न बाय फिजियोथेरेपिस्ट फॉर मेजरिंग द रेंज ऑफ मोशन ऑफ वेरियस जॉइंट्स इसके लिए आपको मेनली क्या क्या जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन है वो पता होना चाहिए गोनियोमेट्री इज रिलायबल एंड सिंपल वे ऑफ मेजरिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन द टेक्निक ऑफ़ मेजरिंग जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड गोनियोमेट्री सो so, uh, उतना अच्छा डायग्राम नहीं है बट बेसिकली इसके पार्ट्स uh, होते हैं मूविंग आर्म जो आप मूव करते हो बीच में होता है बॉडी एंड एक स्टेशनरी आर्म होता है जो कि स्टेबल होता है मूविंग आर्म मूव करता है आपको फिक्स करना है और आपको अगर मैं एल्बो की बात करूं सो so एल्बो पे कैसे रख के आपको कैसे मेज़र करना है कि उसका रेंज ऑफ मोशन कितना इंक्रीज़ हुआ अब मैं बात करूंगी कि कहां कहां हम गोनियोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं सो गोनियोमीट्री इज़ यूज इन फॉलोइंग सबसे पहले टू नो द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन दूसरा टू एसेस ज्वाइंट पैथोलॉजी अगर कोई भी डिजीज़ हुई है किसी जॉइंट में अगर मैं बात करूँ जैसे आपके फ्रैक्चर का केस हो जाए अगर या फिर तो उससे रिलेटेड कुछ भी हुआ अगर टू मेजर द प्रोग्नोसिस और यूज इन द फीडबैक अब गोनियोमीटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं सबसे पहला स्टेबल और फिक्सड दूसरा मूवेबल आर्म फलक्रम प्रोट्रैक्टर और एक मार्कर पॉइंटर भी होना ज़रूरी है जिससे आप मार्क कर सकें कि कितना मेजरमेंट आ रहा है अब गोनीमीटर के टाइप्स होते हैं सबसे पहला लॉन्ग लीवर गोनियोमीटर देन शॉर्ट लीवर गोनीोमीटर फिंगर गोनीमीटर बल्ब गोनीमीटर एंड इलेक्ट्रो गोनीटर सो नाउ वॉट इज यूनिवर्सल गोनीमीटर कॉमनली यूज एज अ स्टैंडर्ड मैथड टू इवेल्युएट रेंज ऑफ मोशन अब मैं बात करूंगी कि मेज़रमेंट करने के तरीके कौन कौन से हैं सबसे पहला है एक्टिव गोनियोमेट्री दूसरा है पैसिव सो बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है एक्टिव में हम क्या करेंगे इन दिस द पेशेंट हिमसेल्फ मूव्स हिज आर्म ज्वाइंट एंड थेरापिस्ट मेजर द रेंज जैसे मैं आर्म की बात करूं एक्टिव में पेशेंट जो है वो खुद ही मूव करेगा एंड पैसिव केस में इन सम कंडीशंस वेयर द पेशेंट कैन नॉट मूव हिज लिम बाय हिमसेल्फ द थेरेपिस्ट मूव द लिम पैसिवली एंड मेजर द रेंज एक्टिव गोनियोमेट्री में पेशेंट खुद ही अपने ज्वाइंट को अपने आर्म को मूव करेगा बट इन केस ऑफ पैसिव गोनियोमेट्री आपको उसका मूवमेंट करना होगा एंड रेंज ऑफ मोशन का मेजरमेंट करना होगा अब प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं गोनिमीटर के सिद्धांत क्या क्या हैं सबसे पहले इट मस्ट बी प्रैक्टिस इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम दूसरा पेशेंट मस्ट बी कम्प्लीटली रिलैक्सड इन अ सूटेबल पोजिशन एंड शुड बी एक्सप्लेन द एंटायर पोजिशन आपको पूरा प्रोसीजर पेशेंट को बताना है सो so दैट उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है एंड वो परेशान ना हो घबराए ना तीसरा है टाइट क्लोथनिंग विच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट मस्ट बी लूजन जो भी टाइट कपड़े हैं उसे आप रिमूव करिए या फिर तो उसे लूज कर दीजिए बेसिकली जिसके रेंज ऑफ मोशन पूरा आ सके पेशेंट का चौथा अवॉइड एरर्स इन टेकिंग रीडिंग्स कभी भी जो भी रीडिंग ले रहे हैं आप मार्कर से पॉइंट करिए रीडिंग मेजरमेंट जरूर करिए नाउ द फिफ्थ इज द फलक्रम शुड नॉट मूव एंड मस्ट बी एट फिक्स्ड पोजीशन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जो फलक्रम है उसे मूव नहीं करना है एक फिक्स पॉइंट पे ही रखना है उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए सिक्स है टेक केयर टू सी दैट आर्म ऑफ गोनीमीटर डू नॉट इन पेशेंट बॉडी पॉइंटेड होता है सो बेसिकली ये देखना है कि वो चुभे ना पेशेंट को नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज द एंटायर प्रोसीजर शुड नॉट बी पेनफुल एंड द लास्ट इज पेशेंट कोपर्रेशन इज़ नेसेसरी सो पेशेंट का कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए आप उसे पहले ही पूरा जो भी प्रिंसिपल्स हैं आप उसे बता दीजिए प्रोसीजर बता दीजिए सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गोनीमीटर नाउ आई विल टॉक अबाउट द टेक्निक सबसे पहले हमें क्या करना है प्लेस द पेशेंट इन सूटेबल पोजिशन नाउ द सेकेंड इज प्लेस द फलक्रम ऑन जॉइंट एक्सेस अब हमें फलक्रम को फिक्स करना है और जो मूवेबल आर्म है उसे मूव करते हुए मेज़र करना है प्लेस द मूवेबल आर्म ऑन द मोबाइल सेगमेंट टू बी मेजर्ड प्लेस द स्टेबल आर्म ऑन अनदर साइड अब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एल्बो को लूँ सो उसका एक पार्ट ह्यूमरस पे रहेगा और जो दूसरा है वो रेडियस पे रहेगा कितना रेंज ऑफ मोशन वो कर पा रहा है वो ज्वाइंट वो हमें मेज़र करना है नाउ आस्क द पेशेंट टू मूव इन फुल रेंज जेंटली मूव द मूवेबल आर्म अलॉन्ग पेशेंट को हमें फुल रेंज ऑफ मोशन में लाने के लिए कहना है और जो उसका फलकरा में उसे फिक्स रख कर मूवेबल आर्म को मूव करना है मार्क द मार्किंग ऑन द बॉडी इफ नेसेसरी मार्कर का यूज करके हमें मार्क करना है कितना वो मेजर कर पा रहा है कितना मूवमेंट कर पा रहा है वो टेक द रीडिंग बाय एंगल फॉर्म्ड ओवर द प्रोट्रैक्टर सो दीज आर द टेक्निक्स कैसे हमें गोनियोमीटर का यूज़ करना है अब अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या डिग्रीज uh, हो सकते हैं सो so, आपको अपर लिम के रेंज ऑफ मोशन पता होना चाहिए सबसे पहले है शोल्डर ज्वाइंट सो अब अगर मैं फ्लैक्शन की बात करूँ जब आप फ्लेक्शन का मूवमेंट करेंगे तो ज़ीरो टू वन एटी डिग्री होना चाहिए एक्सटेंशन शुड भी वन एटी टू जीरो डिग्री हाइपर एक्सटेंशन ज़ीरो टू सिक्सटी डिग्री एबडक्शन एंड एडक्शन इज सेम जीरो टू वन एटी एंड वन एटी टू ज़ीरो अब मैं मीडियल या लेटरल रोटेशन की बात करूँ सो मीडियल रोटेशन अंदर की तरफ जब आप हाथ लेके आएंगे सो so, वो होना चाहिए ज़ीरो टू सिक्सटी डिग्री एंड लेटरल शुड बी ज़ीरो टू एटी डिग्री शोल्डर के बाद एल्बो एल्बो में सिर्फ आप फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन कर सकते हैं फ़्लैक्शन जीरो टू वन फिफ्टी एंड एक्सटेंशन शुड बी वन फफ्टी डिग्री टू जीरो डिग्री सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में सुपी एंड प्रोनेशन की बात करूँ सो ज़ीरो टू वन एटी एंड प्रोनेशन इज़ जीरो टू एट्टी नाउ रिस्ट जॉइंट रिस्ट जॉइंट में फ्लैक्शन एक्सटेंशन रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन सो दीज आर द डिग्रीज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ योर रिस्ट जॉइंट आफ्टर दैट इज एम सी पी जॉइंट मेटा कार्पो फेरेंजिल ज्वाइंट में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कितना होना चाहिए जीरो टू एट्टी एंड फिफ्टीन टू फोर्टी फाइव डिग्री सो ये सारे मैंने आपको बताए हैं आपके अपर ज्वाइंट के नाउ लोअर लिम की मैं अगर बात करूँ सो इन केस ऑफ लोअर लिम हिप जॉइंट नी ज्वाइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नी ज्वाइंट एंड अपर लिम की बात करूँ सो शोल्डर ज्वाइंट और एल्बो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सो इन केस ऑफ हिप फ्लैक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एबडक्शन लेटरल एंड मीडियल रोटेशन सो दीज आर द टोटल मूवमेंट्स ऑफ योर हिप जॉइंट नाव फ्लैक्शन जीरो टू एट्टी एक्सटेंशन इज़ ज़ीरो टू वन थर्टी फाइव डिग्री ये याद रखिएगा एक्सटेंशन एबडक्शन इज़ीरो टू थर्टी फाइव थर्टी एंड एडक्शन इज़ीरो टू फिफ्टीन डिग्री योर लेटरल एंड मीडियल लेटरल रोटेशन जब आप बाहर की तरफ ले कर जाते हैं एंड मीडियल जब आप उस लिम को अंदर की तरफ ले कर आते हैं सो इन केस ऑफ लेटरल रोटेशन इट शुड भी जीरो टू थर्टी डिग्री एंड इन केस ऑफ मीडियल रोटेशन इट इज़ जीरो टू फोर्टी फाइव डिग्री नाओ इन केस ऑफ नी ज्वाइंट फ्लैक्शन इज़ जीरो टू वन थर्टी फाइव इन केस ऑफ एक्सटेंशन वन फोर्टी फाइव टू जीरो डिग्री मीडियल एंड लेटरल जीरो टू एट्टी इज मीडियल एंड जीरो टू नाइनटी इज़ लेटरल नाओ एंकल जॉइंट की मैं बात करूँ सो डॉर्सी फ्लैक्शन एंड प्लांटर फ्लैक्शन यही चार मूवमेंट्स हैं इन वर्जन एंड ई वर्जन इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट सो डॉर्सी फ्लैक्शन में जीरो टू ट्वेंटी डिग्री जब आप पैर को ऊपर लेके आते हैं एंड इन केस ऑफ प्लांटर फ्लैक्शन इज टू डिग्री इज जीरो टू फिफ्टीन एंड ई वर्जन इज टेन टू एटीन डिग्री सो दीज आर द रेंज ऑफ मोशंस ऑफ योर अपर एज वेल एज योर लोअर लिम सो बेसिकली क्या है गोनियोमेट्री मैंने पूरा बताया आपको टेक्निक्स क्या है प्रिंसिपल्स क्या है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं एंड कैसे आपको मेजर करना है सो दिस इज ऑल अबाउट योर गोन्योमेट्री आई होप दिस विल हेल्प यू आट इन योर एग्जाम एंड ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरसाइज थेरेपी का सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू